हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से क्लियर ब्रेकडाउन पांच स्टॉक्स हैं जो आप सेल करके चल सकते हैं या शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो आपको नीचे के टाइम में प्रॉफिट करके दे सकते हैं। तो आप सब देख ही रहे हैं कि मार्केट एक नीचे की तरफ अपना क्लियर ब्रेकडाउन दे रही है। हमने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो 10,275 का था, 10,275 का हमने वो क्रॉस करके हम नीचे की तरफ सस्टेन करने लगा और 200 डीएमए जो 10,100 है उसकी तरफ बढ़ने लग गए हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या नो ट्रेड जोन बन रहा है या ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे और 10,000 को क्रॉस कर सकता है। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, क्लियर आपको पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में समझाया है कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। इस वीडियो की आखिरी में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी जाके देख सकते हैं उसे। तो अब मैं आपको पहले पांच क्लियर ब्रेकडाउन स्टॉक्स बता रहा हूँ जो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई करके चल सकते हैं इंट्राडे में या आने वाले कुछ टाइमों में, या मैं आपको ये 3 से 4 दिन का होराइजन टाइम पीरियड बता रहा हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। तो मैं आपको बता दूं मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। जो 3 से 4 दिन का टाइम होराइजन का ट्रेड होता है उसमें मैं आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं इंडिकेटर जिसका मैं यूज करता हूँ, वो है मूविंग एवरेजेस, पीवट पॉइंट्स, मेकेड। ये 3 चीजें हैं जो सिर्फ मैं यूज करता हूँ 3 से 4 दिन का ट्रेड लेने के लिए। और अगर एक दिन या इंट्राडे कॉल लेना हो या BTST या STBT लेना हो तो मैं वॉल्यूम्स और मूविंग एवरेजेस का यूज करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमें पता ज्यादातर लगता है कि किस तरफ ट्रेड बना है या किस साइड ट्रेड बना है। तो ये एक अच्छे इंडिकेटर का काम करता है वॉल्यूम्स। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन में आपको कौन से पांच स्टॉक्स शॉर्ट करके चलने हैं जो आपको कमाई करके दे सकते हैं। पहला HDFC बैंक की तरफ है जिसमें मुझे बहुत अच्छा इंडिकेटर जो लगता है वो मेकेड लगता है। और मैंने हमेशा इसमें देखा और मुझे 90% प्रॉफिट हुआ है कि जब ये रेड लाइन जब ये ब्लैक लाइन क्रॉस करती है रेड लाइन को तब हम देखते हैं कि एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर हम इसके बिहाफ में भी ना देखें तो एक और तरीका हम कह सकते हैं, जब ये 3 कैंडल्स रेगुलर बनती है, जैसे हमने एक कैंडल देखी, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, जब 3 कैंडल बन जाती है तब हम देखते हैं कि ये क्लियर ब्रेकडाउन है। वो भी हम डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि 15 मिनट चार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है हमारे उसके लिए और हमें पता लगता है कि ये क्लियर ब्रेकडाउन जोन है। और हम देख सकते हैं कि इसने 100 DMA के नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है, ये HDFC बैंक का स्टॉक। और अब ये कहां तक जा सकता है, अगर इसे बाउंस बैक देना होगा तो सीधा 100 DMA से ऊपर ही बाउंस बैक दे देगा और ऊपर के लेवल्स बनते हुए हम देख सकते हैं। और अगर बाउंस बैक नहीं देता तो ये कहां तक जा सकता है, तो ये जा सकता है यहां तक जो पीवट पॉइंट्स का एक सपोर्ट का काम कर रहा है, 1800 का लेवल। 1800 लेके लेवल को अगर ये टेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हम वापस अपने 100 DMA को क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। और अगर नहीं इसको टेस्ट करके भी और नीचे जाता है तो हम 200 DMA के नीचे भी जा सकते हैं। तो इसको क्लोजली फॉलो करके चलना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखें, इसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 50 मूविंग एवरेजेस के पास। 50 मूविंग एवरेज का है 1880, ये आपका एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। और आपका टारगेट आपको कहाँ तक अचीव हो सकता है, 1800 और 1770 तक का, ये दो टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं वो है भारत फोर्ज में भी एक क्लियर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर एक कैंडल जो हमें बताती है कि अब मार्केट ये स्टॉक डायरेक्शन लेने वाला है, जैसे ऊपर की तरफ भी आप स्टिक दे सकते हैं, नीचे की तरफ भी स्टिक देख सकते हैं और यहाँ होलो कैंडल, तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो सिंपल 2 कैंडल स्टिक्स डाउन की तरफ बनी है, मतलब एक इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है डेली चार्ट के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये इसे क्रॉस करने ही वाला है। अब हम देख सकते हैं ये एक क्लियर ब्रेकडाउन का काम करेगा। अब इसमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगा कर चलना चाहिए, आपको लगा कर चलना चाहिए इस रेजिस्टेंस में। 753 का आपको एक प्राइस है, यहाँ पर आपको इस स्टॉप लॉस में लगा कर चलना चाहिए जो आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ से इसने अपना डायरेक्शन अपोजिट की तरफ देना मूव शुरू करा है, 779 मतलब 780 का आपका स्टॉप लॉस। अब कहाँ तक जा सकता है, 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं करेगा, उसके नीचे ही जाएगा, 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, यानी 710 तक ये जा सकता है। उसके बाद हम इसमें बाउंस बैक देने की संभावना देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर भारत फोर्ज में 100 मूविंग एवरेज के बाद ये बाउंस बैक देता है, तो ये आपका एक टारगेट हो सकता है और इसके बाद आप बाउंस बैक
प्ले करके इसको स्टॉप लॉस मान के आप ऊपर की तरफ लेवल्स बना सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो आपको क्लियर ब्रेकडाउन बता रहा है वो है DHFL, जो इसने अपने 200 मूविंग एवरेजेस को क्लोज करके नीचे की तरफ इसने अपनी क्लोजिंग दी थी और अब उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मैकेट सीएल सीरियसली ब्रेकडाउन बता रहा है कि अब इसमें ब्रेकडाउन आ गया है, करेक्शन आने की संभावना है और ये 490 या 440 तक भी जा सकता है। तो अब हमें इसे क्लोजली फॉलो करना है कि कहाँ तक जा सकता है और ज़्यादातर इसका जो सपोर्ट बन जाता है वो इस लेवल में बन जाता है, ये जो इसका ये एक सपोर्ट है यहाँ से ज़्यादातर बाउंस बैक देता है 490 के लेवल में। देखना अगर इसे ब्रीच करके नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो हम 460 तक के लेवल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, 540 में बनता है, 525 में स्टॉप लॉस इसका बनता है। 525 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है 200 DMA में। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता तो हम समझ सकते हैं करेक्शन थोड़ा बहुत डल चुका है इसमें। अब आते हैं इंडिको यानी इंटरग्लोब एविएशन में। इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया एक कन्वर्जन का साइन बना हुआ दिख रहा है हमें, डाइवर्जन की अब अपोजिट साइड ये स्टॉक मूव करने की संभावना है इसकी और मूव करना इसने शुरू कर दिया और हमने देखा कि दो कैंडल स्टिक्स इसमें इसने आग बनाई और नेकेड ने भी अपनी क्लोजिंग यहाँ देखी, ब्लैक लाइन ब्लू रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। तो ये अब हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए देख सकता है। अब ये कहाँ तक जा सकता है तो हमें इसमें स्टॉप लॉस हमें लगा के चलना चाहिए। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का काम कर रहा है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट कहलाया जाता है जहाँ पर ये अभी ट्रेड कर रहा है इंडिको। अब यहाँ से किस तरफ ये डायरेक्शन देता है ये हमें मूव करने की संभावना है। स्टॉप लॉस आपको इसके पिछले ट्रेड यानी कि पिछले महीने के सपोर्ट रेजिस्टेंस में लगा के चलना चाहिए जो है 12,1290 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। कहाँ तक जा सकता है, 1220 तक ये स्टॉक जा सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस में भी हमने देखा कि 900 का जो एक स्तर था उसे क्रॉस कर रहा है ये 900 के स्तर को, जो एक बहुत स्ट्रांग लेवल था रिलायंस के लिए और हम देख रहे हैं 2 या 3 दिन ट्रेडिंग सेशन से ये गिर ही जा रहा है रिलायंस और जो इसने 900 का स्तर था उसे भी क्रॉस करके नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। इसका स्ट्रांग सपोर्ट लेवल कहाँ बन रहा है, वो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बन रहा है इसका 900-930 का और ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 870 तक, 870 तक ये जाने की संभावना है। पर हम रिलायंस में ज़्यादा ना बियरिश हो सकते हैं ना बुलिश हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत निफ्टी का एक बहुत अहम स्टॉक है और ये ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है, ये वॉलीटिलिटी स्टॉक नहीं है ना हाई बीटा स्टॉक है, बहुत लो बीटा स्टॉक है, ये ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। हम देख सकते हैं शायद अगर इसमें करेक्शन आना होगा तो शायद यहीं तक ही इसमें करेक्शन आना था, 100 जो इसने अपना EMA लेवल को क्रॉस करा इसके बाद अगर बाउंस बैक भी आता है तो ये 970 तक आराम से जा सकता है। इसको क्लोजली फॉलो करके आपको चलना चाहिए। तो ये मैंने आपको अपने 5 स्टॉक्स बताए हैं जो आपको क्लियर ब्रेकडाउन बता रहे हैं इस मोमेंटम इस स्टॉक इस इंडिकेटर्स के बिहाफ में। आप अपना खुद भी ट्रेड ले सकते हैं, खुद इसको रिसर्च करिए, इसको खुद प्रैक्टिस करिए और आप देख सकते हैं कि आपको भी 90% तक का प्रॉफिट अचीव हो सकता है आने वाले कुछ 3-4 दिनों में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, और लाइक करिए इस वीडियो को। और मैंने आपके लिए जो बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर टेक्निकल एक आपको समझाया है कि कैसे कहाँ ट्रेड जोन बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको करके चलना चाहिए, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो कर रही होगी वो वीडियो। तो थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।